ना फटेंगे, ना तेल अफजफ करेंगे, ना गुजिया मुलायम पड़ेंगे, एक एक गुजिया हलवाई से भी बढ़िया बनेंगे। होली के त्यौहार पर आप कितनी भी मिठाई बना लीजिए, जब तक गुजिया ना बने तब तक होली के त्यौहार अधूरी सी लगता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 100% सुपर खस्ता की रेसिपी, गुजिया बनाने के इतनी आसान तरीके सीक्रेट टिप्स के साथ। इन्हें आप 20 से 25 दिनों तक इंजॉय कर सकते हैं। एकदम खस्ता की रेसिपी बना रहेगा, बिल्कुल गुजिया नरम नहीं पड़ेगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कुक डेली में आपका स्वागत है। आप सभी व्यूअर की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए होली स्पेशल गुजिया बनाना हम शुरू करते हैं। होली स्पेशल एकदम हलवाई जैसी भरी भरी एकदम क्रिस्पी गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बड़े साइज के परात। यहाँ मैं ले रही हूँ 2 कटोरी छाना हुआ मैदा। मेजरमेंट के लिए घर के कोई कटोरा चाहे कप सेट कर लीजिएगा, पूरा नाप गुजिया के उसी अनुसार कर लीजिएगा। बिल्कुल परफेक्ट गुजिया बनेंगे, कोई भी परेशानी बनाने में नहीं आएगी। नेक्स्ट जरूरी चीज़ें है गुजिया के और बनाएगी खस्तापन, वो यहाँ पर ले लिए हैं 1/2 कटोरी देसी घी। ये घी ना तो ज़्यादा जमा हुआ है और ना तो ज़्यादा आपको पिघला हुआ लेना है। सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि गुजिया के खस्तापन बनानी है तो सारे घी के यहीं पर ऐड कर देंगे। वजन से बोलूँ तो घी यहाँ पर 120 ग्राम लिए हैं। 400 ग्राम मैदा में 120 ग्राम घी परफेक्ट हो जाएगी। अब दोनों हाथ से इस तरह से आप अच्छे से जितने मैदा के आप मसलेंगे घी के साथ, उतने आपके गुजिया में खस्तापन एकदम क्रिस्पी बनेगी। यह सबसे बड़ी पॉइंट है। बनाने में थोड़ी मेहनत जरूर होती है, रिजल्ट आपको परफेक्ट मिलेगा। इस तरह से जितने आप मसलेंगे उतने आपके मैदा में घी के कोटिंग अच्छे से आ जाएगा। यहाँ घी डालेंगे तो घी से देता है खस्तापन, आप तेल डालेंगे तो तेल से आता है क्रिस्पीनेस। जब हमें पापड़ी बनाना होता है तो तेल के इस्तेमाल करते हैं, तेल देती है कुरकुरापन। हमें गुजिया के बनाना है एकदम खस्तापन तो आप कोशिश कीजिएगा घी में ही बनाइएगा। ये आप देखिए अच्छे से मैदा में घी के मॉइस्चर आ गया है। जब आप इस तरह से आप मुट्ठी बांधेंगे तो बहुत बढ़िया से इस तरह से मुट्ठी बांधनी चाहिए। इसमें मोयन डाले हैं ना, वो बिल्कुल इसमें परफेक्ट हो गया है। तो अब इसमें अलग से मोयन डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे पानी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गुजिया के सब तंटा लगाकर तैयार करेंगे। यदि आप मुलायम आटा गूंथ दिए, ज़्यादा मुलायम हो गया तो काफ़ी आपको बनाने में गुजिया प्रॉब्लम आ जाएगी। और गुजिया जब आप तलेंगे तो ऊपर गुजिया के ऊपर बबल्स आ जाएगा, तो देखने में भी अच्छा ना लगता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ आटा गूंथने की आप परफेक्ट तरीका आप देख लीजिएगा। तो वीडियो पर आप बने रहिएगा, पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यहाँ हर चीज़ आपको परफेक्ट नाप कर बता रही हूँ, इससे आपका गुजिया बाजार से बहुत बढ़िया बनेंगे। ना तो तेल में जाके फटेंगे, ना तेल अब जब करेंगे, ना मुलायम पड़ेंगे, एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। आटा के हम जोड़ के तैयार कर लिए हैं। अब इतना पानी बच गया है 4 बड़ी चम्मच के करीब, तो इन्हें हम साइड में रखेंगे। अब आटा के हम मसल के हम 2 मिनट अच्छे से चिकना कर लेंगे। तो ये लीजिए आटा तैयार हो गया है। इतना हम सख्त आटा रखे हैं, आप देख सकते हैं। गीले कपड़े से ढक के इसे हम 15 से 20 मिनट रेस्ट में छोड़ देंगे। आटा सेट हो रहा है, तब तक चलिए हलवाई जैसी गुजिया बनाने के लिए मावा सूजी के जबरदस्त टेस्टी सा स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। गुजिया के एकदम सुपर स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ले लिए हैं 150 ग्राम सूजी। तो सूजी यहाँ पर बारीक मोटा कोई सा भी ले सकते हैं। अब साथ में यहाँ पर लिए हैं 2 बड़ी चम्मच किशमिश, 2 बड़ी चम्मच बादाम और 2 बड़ी चम्मच यहाँ पर हम काजू लिए हैं। अब चलिए गैस की तरफ हम चलते हैं। गैस के ऊपर पैन चढ़ा देंगे और फ्लेम के यहाँ मीडियम टू लो रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच घी। घी मेल्ट होते ही इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ा चम्मच बारीक कट किया हुआ बादाम। आप अपनी पसंद अनुसार से आप ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। साथ में ले रही हूँ 2 बड़ी चम्मच बारीक कट किया हुआ काजू। अब बस इस तरह से हल्का सा लो फ्लेम पर हम ड्राई फ्रूट के रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी ड्राई फ्रूट में बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा, कच्चापन पूरा निकल जाएगा। हमारी गुजिया और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी और ज़्यादा दिनों तक चलेगी। हम यहाँ ड्राई फ्रूट लिए हैं, आप चाहे तो बिना ड्राई फ्रूट के भी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसी स्टेज पर सारे ड्राई फ्रूट के हम निकाल लेंगे। तो यहाँ सारे हम ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं, चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस के ऊपर वही वाली पैन चढ़ा दिए हैं। यहाँ हम 1 कटोरी हम सूजी ले लिए हैं। अब सूजी हम उसी घी के अंदर हम ऐड कर देंगे। अब लो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन आने तक सूजी के हम भून लेंगे।
एक एक रेशो आपको बता रही हूँ। ना तो गुजिया फटेंगे, ना तेल पियेंगे, ना सोगी सोगी बनेंगे। जब हम होली के त्योहारों पर गुजिया मार्केट से खरीद के लाते हैं तो ज्यादा दिनों के तेल में फ्राई किया हुआ रहता है और सस्ती भी पड़ेंगे। जब इसे घरों में आप तैयार करेंगे तो सस्ती भी पड़ेंगे, शुद्ध गर्मा गर्म गुजिया तैयार भी हो जाएंगे, वो भी ढेर सारे। प्यारा सा सूजी में कलर आ गया, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। इसी स्टेज पर गैस के बंद कर देंगे, सारे सूजी के हम निकाल लेंगे। उसी गर्मा गर्म पेन में हम 2 बड़ी चम्मच के करीब हम नारियल के बुरादा हम ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम भून लिए हैं, गैस के ऑन नहीं किए हैं, बहुत जल्दी नारियल के बुरादा भून जाता है, गुजिया में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। तब यहाँ सारे हम नारियल के बुरादा के हम निकाल लिए हैं। अब फिर से हम वही वाली पेन चढ़ा दिए हैं गैस के ऊपर। हलवाई स्टाइल हम मावा गुजिया बना रहे हैं, तो मावा बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 गिलास दूध लिए हैं। तो होममेड हम आपको मावा भी बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर 1 गिलास दूध हम पेन के अंदर ऐड कर देंगे, मिनटों में तैयार हो जाए। ढेर सारी मावा बनाने के लिए यहाँ पर हम ले लिए हैं मिल्क पाउडर। अब 2 बड़ी चम्मच के करीब हम मिल्क पाउडर हम दूध में ऐड कर देंगे। तो ये मिल्क पाउडर आपको आसानी से किराने दुकान में मिल जाएगी, तो कोई से भी ब्रांड के यहाँ पर मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं। फ्लेम के मीडियम टू लो रखेंगे, लगातार चलाते हुए अच्छे से हम मिल्क पाउडर के हम दूध में मिक्स कर लेंगे। जब हम मार्केट से हम मावा खरीद के लाते हैं तो एक तो ज़्यादा दिन के बना हुआ रहता है और महंगी पड़ जाती है। तब आसानी से आप घर में 1 गिलास दूध से ढेर सारी मावा तैयार कर सकती हैं। मिल्क पाउडर के लम्प्स अच्छे से हट गया है, फ्लेम के अब यहाँ पर हम मीडियम टू हाई रखेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए मावा के हम तैयार कर लेंगे, बहुत जल्दी मावा तैयार हो जाता है। दूध में एक उबाल आने लगा है। अब इसी तरह से हम साई साई से हम मलाई जो लग जाएगा से खरोचते हुए चलाते हुए मावा के हम तैयार कर लेंगे। बहुत जल्दी मावा गाढ़ा होने लगा है, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह से कंटिन्यू आप चलाते हुए मावा के हम तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही टेस्टी होममेड मावा तैयार हो गया है। मावा के बिना गुजिया अधूरी सी लगती है, तो है ना बनाना आसान। इसे बनाने में हमें सिर्फ 5 मिनट गैस लगी है, मिनटों में मावा तैयार हो गया है। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। मावा हल्का ठंडा हो गया, आप देख सकते हैं, गाढ़ा भी मावा हो गया है। अब इसी स्टेज पर डाल देंगे इसमें रोस्ट किया हुआ सारे ड्राई फ्रूट। अब साथ में यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच हम किशमिश ले लिए हैं, किशमिश भी यहीं ऐड कर देंगे। अब साथ में अच्छे फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची के पाउडर, बहुत बढ़िया गुजिया में फ्लेवर आता है। अब इसी स्टेज पर डाल देंगे हम सारे रोस्ट किया हुआ सूजी। अब सूजी के अच्छे से हम मावा के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हम होममेड मावा लिए हैं, आपके बना हुआ मावा है, तो मावा के थोड़ा आप गर्म पैन में डाल के आप कर लीजिएगा। अब फिर उसके बाद इसमें आप सूजी ऐड कीजिएगा। हल्का गर्म मावा में अच्छे से सूजी के हम मिक्स कर लिए, सूजी भी अच्छे से फूल गया है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे 1 कटोरी भूरा। भूरा के जगह आप चीनी के पाउडर भी ले सकते हैं, ग्राइंडिंग जार में डाल के आप पीस लीजिएगा, जिससे आपके चीनी एकदम फाइन बन जाएगी। अब फिर चीनी के पाउडर के आप छान लीजिएगा और जब हल्का ठंडा हो जाए फिर उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा। जब आप गर्मा गर्म चीनी के डाल देंगे तो पिघलना शुरू हो जाएगा, उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, आपका गुजिया ख़राब हो जाएगा। तो ठंडा यहाँ पर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद चीनी के पाउडर आप मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी गुजिया के स्टफिंग तैयार हो गया है। अब चलिए फटाफट हम आटे के हम चेक करते हैं गुजिया बनाने के लिए। आटे एकदम सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं पहले से कलर इसका चेंज हो गया है। एक बार और आटे के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आटा एकदम स्मूथ सा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें से एक हम बड़े साइज के लोई लेंगे, लंबा इस तरह से हम रोल बना लेंगे। छोटे छोटे लोई पूरी के साइज के हम तोड़ लेंगे। अब बस सारे लोई हम तोड़ लिए हैं। अब एक लोई लेंगे, हथेली से इस तरह से हम घुमाते हुए चिकना करके तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, अब बाकी के इसी तरह से सारे लोई के बना के हम तैयार कर लेते हैं। तो चलिए सारे लोई बना के तैयार कर लिए, चलिए फटाफट हम गुजिया बनाते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले आप लीजिए चकला। चकले के ऊपर एक लोई रखिए। आपको न तेल न आटा डस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से हम आटा सख्त लगाए है ना, उसी से पूरिया अच्छे से बेल जाती है। सब तरफ से एक जैसा बेल लेना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किनारे कहीं पतला रह गया कहीं मोटा रह गया, एक जैसा बराबर में हमें बेल लेना है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से बेल लिए हैं, इसकी थिकनेस इस प्रकार के हम रखे हैं, आप देख सकते हैं। गुजिया बनाने के लिए हमें लिए हैं इस तरह के साँचे। अब साँचे के ऊपर पूरिया अपनी बेल के रखे थे ना, वो हम रख देंगे। अब पूरी के किनारों पर इस तरह से हम पानी हम साइड साइड से हम लगाएंगे अच्छे से, जैसे कि बढ़िया से हम सील पैक करेंगे। जब आप फ्राई करेंगे तो इसमें पानी नहीं लगाएंगे तो सारे स्टफिंग तेल में जाके बिखर जाएंगे। सील करना
यहाँ बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम मावा सूजी के स्टफिंग बना के रखे हैं ना, अब गुजिया के अंदर एक बड़ी चम्मच के करीब हम डाल देंगे। ना तो स्टफिंग ज़्यादा भरेंगे और ना तो इसमें हम कम भरेंगे। अब ज़्यादा स्टफिंग भर दीजिए तो फ्राई करते समय गुजिया फट भी सकती है, कम भर दिए तो खाने में गुजिया मज़ा नहीं आएगा। अब बस साँचे के इस तरह से पन्हिया से बंद करेंगे, अच्छे से साँचे के हम साइड से हम प्रेस कर देंगे। जो भी आपको इस तरह आटा दिख रहा है इसे हम हल्के हाथों से हम हटा लेंगे और जो आटा हम रखे हैं ना गुजिया बनाने के लिए उसमें हम मिक्स कर लेंगे। धीरे धीरे साँचे के खोलेंगे। ये देखिए बहुत बढ़िया एक गुजिया बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर देखने में लग रही है। आप चाहे इन्हें तो आप फॉक से भी डिजाइन दे सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी आप इसे डिजाइन दे सकते हैं। अब चलिए एक और गुजिया बना के आपको दिखा रही हूँ। साँचे के ऊपर पुड़िया डाल देंगे और फिर इसके ऊपर हम पानी लगा लेंगे। किनारे पर इस तरह से हम अच्छे से पानी लगा लिए हैं, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक बड़ी चम्मच इसमें स्टफिंग डाल दिए है, अब फिर से हम सील पैक कर देंगे। इस तरह से प्रेस करके हम बाकी के एक्स्ट्रा आटा होगा से हम निकाल लेंगे। धीरे धीरे साँचे के खोलेंगे तो ये देखिए बहुत बढ़िया तैयार हो गया है। दूसरा भी गुजिया देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रही है। अब बाकी के इसी तरह से हम सारे गुजिया बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत बढ़िया लग रही। तो साँचे के बनाएंगे तो आपके एक साइज के गुजिया तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम गुजिया के फ्राई करते हैं। गुजिया फ्राई करने के लिए हम पहले हम तेल गैस के ऊपर चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए। अब इसमें एक हम बॉस डाल के देख लेते हैं, तब देख सकते हैं बॉस तुरंत ऊपर तैर के आने लगी है, तो इतना हमें तेल गर्म नहीं चाहिए। अब एक और बॉस आपको डाल के दिखा रही हूँ। हल्का हल्का इसमें से बबल्स आपको दिखाई दे रही है ना, बस हमें इतने गर्म तेल हमें चाहिए। अब बॉस के हम निकाल लेंगे। तो यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट है ना ज़्यादा तेज गर्म ना ज़्यादा ठंडा हमें तेल चाहिए, मीडियम गर्म तेल चाहिए। अब गुजिया के हम एक एक करके हम डालते जाएंगे। फ्लेम के यहाँ पर हम मीडियम टू लो रखेंगे। बिल्कुल इस तरह से धीरे धीरे सारे गुजिया के गोल्डन फ्राई कर लेंगे। एक बार गुजिया को पलटा से इस तरह से हम पलट देंगे। कोई भी गुजिया फट जाए तो आप तुरंत निकाल लीजिए, नहीं तो सारे तेल में बिखर जाएगी और तेल पूरे गंदा हो जाएगा। तो ये लीजिए बहुत ही खस्ता क्रिस्पी हलवाई स्टाइल में बिल्कुल गोल्डन गुजिया फ्राई होकर तैयार हो गया है। आपने देखे एक भी गुजिया ना फटा है, ना बिखरा है, ना तेल अब्जर्व किया है, एकदम पहली बार में परफेक्ट तैयार हो गई है। जो टिप्स हमने बताए हैं उसी टिप के साथ आप बनाइएगा, आपके परफेक्ट गुजिया तैयार हो जाएंगे। अब सारे गुजिया के हम निकालेंगे, इससे ज़्यादा हम फ्राई नहीं करेंगे। अभी ठंडी होगा गुजिया तो अपने आप इसमें कलर आ जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड बैच के भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ सेकंड बैच के भी हम तैयार कर लिए हैं गुजिया फ्राई करके, आप देख सकते हैं कलर भी परफेक्ट आई है। चलिए इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट के हम गार्निशिंग कर लिए हैं। ये लीजिए बिल्कुल तैयार है होली स्पेशल मावा सूजी गुजिया, एकदम खस्ता क्रिस्पी परफेक्ट तरीके से तैयार हुई है। इसी तरह से आप 20 से 25 दिनों तक आप स्टोर करके रख सकते हैं, ऐसी ही एकदम क्रिस्पी खस्ता बना रहेगा। ये आपको गुजिया बहुत ही पसंद आएंगे, आपने होली के त्यौहार पर जरूर बनाए। ये गुजिया खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, खाकर मजा आ जाता है। एक एक रेसो एक एक टिप्स आपको बताई हूँ। एक ही बार में आप बिगनर्स भी है फिर भी आपकी गुजिया परफेक्ट तैयार हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनी है भरपूर स्टफिंग वाली। तो चलिए इस रेसिपी के हम एंड करते हैं। तो आज के होली स्पेशल गुजिया आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।